एज अ एथलीट या मैं कहूँगा फास्ट बॉलर, आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा। जो मॉडर्न टाइम के तेज गेंदबाज हैं वो सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, इसी वजह से उनकी पेस ज़्यादा प्रभावित हो रही है। ज़्यादा प्रभावित हो रही है मतलब कि आपकी, आपको पहले ये जानना होगा आपकी अगर पेस नहीं बढ़ रही है कि आपके अंदर कमी कहाँ है। आपके अंदर रनअप की कमी है और आप बैकफुट का ड्रिल्स कर रहे हैं, या आपके अंदर बैकफुट सही है और आप रनअप का ड्रिल कर रहे हैं, तो आपको पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि आपकी कमी कहाँ है, आपका एरर कहाँ है, जिसके वजह से आज पेस आपकी प्रेस प्रभावित हो रही है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन इंक्रीज योर पेस, अपने बॉडी में, अपने रनअप में, बैकफुट में, फ्रंट फुट में किन चीज़ों में चेंज करके, या आपकी मिस्टेक क्या है, आप कहाँ आपका ऐसा जगह है जहाँ आपकी प्रेस प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉलिंग में जितना पेस आपकी बॉडी जनरेट करती है उतना जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हर आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो पहले मैं बात करूँगा रनअप की, कि रनअप में क्या क्या मिस्टेक होती हैं जिसकी वजह से आपका रनअप आपकी स्पीड प्रभावित होती है बॉलिंग में। तो रनअप में जो पहली मिस्टेक आती है जो बॉलर करते हैं, अधिकतर बिगनर लेवल पे होता है, एडवांस लेवल में तो कम देखा गया है कि ये मिस्टेक करते हैं, लेकिन बिगनर ज़्यादा करते हैं, कि एक पॉइंट से बॉल नहीं डालते। तो आप ध्यान आपको ये देना है कि रनअप आपको एक ही जगह से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि आप पहले 18 कदम से डाल रहे हैं, फिर एक बॉल 19 कदम से डाल रहे हैं, एक बॉल 20 कदम से डाल रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। आपको रनअप एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, उसी पॉइंट से आपको बॉल डालना है। और उसके लिए आप कैसे करेंगे ये मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना होगा अपना रनअप करेक्शन के लिए। एक सिंपल तरीका करना है, आप स्टंप लगा लीजिए और नो बॉल के पास से जाइए जो आपका नो बॉल है, और उल्टा जाकर आप बॉल डालिए, और हर बार अपनी आप फ्रंट फुट लैंडिंग मार्क कीजिए। आप कम से कम 10 बॉल डालिए, आप एवरेज जहां देखिए आपके पैर फ्रंट फुट जहां ज़्यादा लैंड हो रहा है वहीं से नो बॉल तक का रनअप मार कीजिए, वही आपका रनअप है। ये इजी तरीका है, बाकी दूसरे तरीके होंगे तो हम आगे वीडियो सीरीज़ लाएंगे, उसमें हम बताएंगे कि आप रनअप करेक्शन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे ज़्यादा मीडियम पेसर का देखा गया जो गलती करते हैं, ये एडवांस लेवल तक की भी होती है, कि वो क्या करते हैं स्टार्ट में ही बड़े बड़े स्टेप्स ले लेते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपको रनअप में छोटे छोटे स्टेप्स से जाना है, इससे आपकी प्रेस बड़ी प्रभावित होती है, बड़ी इसलिए प्रभावित लेती है कि कभी कभी ये देखा गया है कि बीच रनअप में एक लंबी स्ट्राइड लेते हैं, आपका कदम एक लंबा पड़ जाता है, जिससे आपकी सारी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाते अपने बॉलिंग में उस मोमेंटम को जिस मोमेंटम को आपको पाना चाहिए। तो ये ध्यान देना है कि आपको स्टार्ट कदम से, और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि अपने रनअप को आपको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ से आपको क्या करना है धीरे धीरे स्टार्ट लेना है, एक बीच में जैसे आप 18 कदम है तो 8 कदम के बाद वहाँ से आपको अपनी पेस थोड़ा थोड़ा रनअप में बढ़ानी है, और तीसरा इम्पल्स स्ट्राइड से समय आपको ध्यान देना है कि इम्पल्स स्ट्राइड के समय आपका जो स्पीड होगा वो एकदम तेज, जितना तेज आप भाग सकते हैं इम्पल्स स्ट्राइड में आपको उतना तेज भागना है, इससे जो आपकी पेस प्रभावित हो रही है वो नहीं होगी रनअप की वजह से। आपको ये ध्यान देना है कि आपकी मिस्टेक इसमें से क्या है। रनअप में रनअप के बाद दूसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट है मीडियम पेस में, आपका जंप। आपका जंप कैसे होना चाहिए, आपका जंप फॉरवर्ड की तरफ होना चाहिए, मतलब आपका जंप इस तरीके से फॉरवर्ड की तरफ होना चाहिए, क्योंकि रनअप की मोमेंटम जो सबसे ज़्यादा टूटती है वो जंप में टूटती है। जंप में टूटने की वजह से उनका पेस जो है वो प्रभावित होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जंप फॉरवर्ड की तरफ हो, आपको ज़मीन पर ऐसे सिर्फ एयर में उछाल कर वहीं नहीं गिरना है, आपका जंप फॉरवर्ड की तरफ होगा। जब आपका जंप फॉरवर्ड की तरफ होगा तो आप मोमेंटम भी फॉरवर्ड की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी तब ट्रांसफ़र होगी। जब आपकी एनर्जी अच्छी तरीके से ट्रांसफर होगी तो आपका पेस जितना निकलना चाहिए, अभी जितना निकल रहा है उससे ज़रूर ज़्यादा निकलेगा। तो आपको ये ध्यान देना है एक सही तरीके से आपका जंप फॉरवर्ड की तरफ होना चाहिए, जंप आपका फॉरवर्ड की तरफ होना चाहिए। उस जंप के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देना है जिसकी वजह से आपकी प्रेस प्रभावित हो, आपका जो लीड आपको किससे करना है, जंप में आपको लीड अपने सिंस से करना है। सिंस किसको बोलते हैं, ये आपका जो घुटने के नीचे
ये टो तक का पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, सीम। तो जब भी हम बॉल डालें तो आपको ये ध्यान देना है कि ये इस तरीके से आपका जंपर आएगा, ये आपके बॉडी का आगे वाला पार्ट रहेगा आगे की तरफ, जिससे आप जब लैंड करेंगे तो आपकी बॉडी आगे की तरफ एनर्जी ट्रांसफर करेगी और जितना बॉडी में से एफर्ट आपका लगना चाहिए उतना लगेगा। अगर आप ये वीडियो में आपने ये देखा होगा, आप अभी तक जो है वो सही कर रहे होगे, यहाँ आप मिस्टेक करते होंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप रनअप में और सीन लीड के साथ साथ आप अपनी जो एनर्जी लाए हैं उसको ट्रांसफ़र बॉलिंग में सही तरीके से करें। वहाँ आप क्या मिस्टेक करते होगा, आप देखिए आपका बैकफुट कॉन्टैक्ट स्टिफ नहीं होता होगा। स्टिफ बैकफुट कॉन्टैक्ट मतलब इस तरीके से आपका पूरा पैर जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए, आपका टो पड़ना चाहिए। अगर आप साइड ऑन है तो आपका इस तरीके से, अगर आप सेमी है तो इस तरीके से, अगर आप फ्रंट आर्म है तो आपका इस तरीके से पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है। अब ये देखिए, अगर मेरा पूरा पड़ जा रहा है तो क्या लोडअप के टाइम पे क्या है, मेरी बॉडी पीछे की तरफ है, तो क्या मैं अपना एनर्जी पूरा ट्रांसफ़र कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। और जब मैं अपना फोर्स पूरा ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊँगा तो मेरे में पेस कैसे निकलेगी, पेस नहीं निकलेगी। तो पेस निकलने के लिए एनर्जी का ट्रांसफ़र करना होना बहुत ज़रूरी है, तो आपका जो बैकफुट कॉन्टैक्ट है ये स्टिफ होना चाहिए। बॉलिंग आर्म के साथ साथ जो बहुत ज़रूरी है, जहां आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं एज अ बॉलर, आपका नॉन बॉलिंग आर्म, आपका फिनिश अच्छा नहीं होता। नॉन बॉलिंग आर्म बॉलिंग आर्म के लिए बहुत ज़रूरी, जैसे आप देखिए कि आप इससे पुल करेंगे तो ये आगे आपको फॉरवर्ड करेगा, यहाँ से आपकी पेस जो प्रभावित होती है। तो नॉन बॉलिंग आर्म आपका किस तरीके से खुलना चाहिए, ये सेम तरीके से। आप ये सपोज करें कि जो बैट्समैन आपके सामने पड़ा है, आपको उसको सीने से पकड़कर खींचना है अपनी तरफ, आपको खींचना है, इस तरीके से आपको नॉन बॉलिंग आर्म करना है। नॉन बॉलिंग आर्म अगर आपका स्ट्रांग खुलेगा तो बॉलिंग आर्म का आप यूज अच्छा करेंगे, और नॉन बॉलिंग आर्म का आप सिंपल तरीके से, आप इसी तरीके से आप एक इजी एग्जांपल में देख सकते हैं कि जैसे आप जब कोई फिल्म देखते हैं, कोई सॉन्ग देखते हैं, तो एक्टिंग कौन करता है, एक्टर करता है सामने, लेकिन सारा जो क्वालिटी रहती है, आवाज़ रहता है, वो सिंगर का रहता है। इसी तरीके से बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, नॉन बॉलिंग आर्म एक सिंगर है जिसे आप देख नहीं रहे, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका कोई यूज़ नहीं है, ये तो सिर्फ वैसे ही है। लेकिन फास्ट बॉलिंग में बॉलिंग आर्म के साथ साथ, बॉलिंग आर्म से ज़्यादा मैं कहूँगा आपके नॉन बॉलिंग का आर्म का यूज़ है। जितना अच्छा आप अपने नॉन बॉलिंग का यूज करेंगे उतना अच्छा आपका बॉलिंग आर्म चलेगा और आपकी पेस निकलेगी। आज के इस वीडियो के बाद हम एक बॉलिंग की सीरीज़ लाने वाले हैं, जिसमें स्टार्ट हम बॉलिंग रनअप से करेंगे, उसमें सभी चीज़ें में हम बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि उसके लिए ड्रिल सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन कौन से ड्रिल करनी चाहिए। और हाँ, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए कि इसमें से क्या मिस्टेक है आपकी, जिसकी वजह से आपकी पेस प्रभावित हो सकती है, और आप हमको अपना वीडियो इंस्टा पे भेज सकते हैं एनालाइज कराने के लिए, हम आपकी मिस्टेक ज़रूर बताएंगे। हो सकता है कि उसका उसको उस आपकी मिस्टेक को हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी एज ए वीडियो लाएं, तो हमारे साथ इंस्टा पे ज़रूर जुड़े, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।